बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सब बहन भाई हमेशा खुश रहें, हंसते बसते रहें, हर तकलीफ़ परेशानी से दूर रहें, आमीन। आज हम बना रहे हैं आलू की जो टिक्की होती है ना, वो बना रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको हम डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए, मेरे पास 1 किलो उबले आलू में, उसमें मैं डाल देती हूँ चॉप प्याज है, ठीक है, और ये मेरे पास चॉप ही मेरे पास हरी मिर्च है, हरी प्याज है मेरे पास, और मैं इसमें डाल देती हूँ पुदीना थोड़ा सा और हरा धनिया। मसालों में क्या जाएगा, इसमें नमक जाएगा टेस्ट के हिसाब से, थोड़ी सी इसमें हल्दी जाएगी, बिल्कुल थोड़ी सी। हमने हरी मिर्च भी डाली है, इसलिए हमने मिर्च थोड़ा ध्यान से डालें, ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। और इसमें जाएगा पिसा ज़ीरा है मेरे पास, भुना हुआ नहीं है ये, और ये मेरे पास पिसा धनिया है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह से मैशर के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और आलू भी मैश हो जाएंगे और चीज़ें भी मिक्स हो जाएंगी। मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये देखें, मसाला हमारा तैयार है। अब हमने क्या करना है, जितनी बड़ी आपको टिक्की चाहिए उतना आपने मसाला लेना है, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि जो टिक्की है ना, ये थोड़ी पतली ही बनाएं, आप मोटी ना बनाएं। तो इस तरह से आपने टिक्की को शेप दे लेनी है, ठीक। तो देखें, एक अंडा उसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया। अब मैंने क्या करना है कि टिक्कियों को इस तरह से हमने अच्छी तरह से अंडा लगा के और हल्की आँच पर हमने मैंने 1 टेबल स्पून के करीब मैंने पैन में घी डाल दिया, तो इनको हम फ्राई करते हैं जी। तो 2 से 3 मिनट के बाद अब हम इनकी साइड को चेंज कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आँच आपने हल्की रखनी है बिल्कुल। तो कबाब की जो नीचे वाली साइड है वो भी हल्की सी फ्राई हो गई है, बहुत ज़्यादा नहीं हमने फ्राई किया। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो पैन में एक्स्ट्रा घी है इसको हम निकाल लेते हैं जी। तो अब हमने क्या करना है कि सारे टिक्कियों के ऊपर हम लगा लेते हैं पिज़्ज़ा सॉस। अगर आप इसके ऊपर केचप लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद अब आप इसके ऊपर लगा लें मोज़रेला चीज़। अगर आप चेडर चीज़ लगाना चाहते हैं तो आप दोनों लगा लें, ठीक है। लेकिन मैं लगा रही हूँ इस पर सिर्फ मोज़रेला चीज़ लगा लेते हैं। थोड़ी सी हम इसके ऊपर सबके ऊपर थोड़ी थोड़ी बंद गोभी लगाते हैं। तो मैंने एक एक पीस मैंने रख दिया शिमला मिर्च का। अब मैं इसके ऊपर रख देती हूँ कटे हुए टमाटर हैं। अब मैं थोड़ी सी इसके ऊपर, पहले मैंने पीस रखे थे, मैंने थोड़ी सी बारीक काट लिया शिमला मिर्च, वो भी हम इसके ऊपर रख देते हैं। तो अब हम दोबारा से चीज़ें लगाने के बाद हम दोबारा से इसके ऊपर लगा देते हैं चीज़। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा लगा लें, नहीं तो आप छोड़ दें, ठीक है। तो चीज़ लगाने के बाद चूल्हा जो है मैंने बंद कर दिया, लेकिन हम इसको थोड़ी देर के लिए कर देंगे कवर, क्योंकि पैन हमारा गर्म है, ठीक है, तो ये हल्की सी मेल्ट हो जाए। चीज़ हमारी मेल्ट हो रही है, ठीक है, देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी हो गई है। और मैंने ऊपर ऑलिव भी लगा दी है और चूल्हा मैंने कर दिया है पहले से ही बंद, ठीक है। तो हमने कवर किया था इसको, तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हो गई, और मैंने इसके ऊपर ऑलिव भी लगा दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।